डियर फ्रेंड्स, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग इंजीनियरिंग सर्वे से रिलेटेड बोर्ड पर 15 क्वेश्चन नोट है उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, व्हिच एरर्स इन केस ऑफ थियोडोलाइट वर्क मे बी क्लासिफाइड ड्यू टू पर्सनल एरर ऑफ ऑब्जर्वर। मान लीजिए, देखिए थियोडोलाइट के केस में आप अगर थियोडोलाइट से वर्क कर रहे हैं तो देखिए, अगर पर्सनल एरर हो रहा है, देखिए ऑब्जर्वर जो कि थियोडोलाइट से वर्क करने जा रहा है या कर रहा है, उससे अगर पर्सनल एरर हो रहा है तो उसे जो है उसे क्लासिफाई किया जाएगा। उसे किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाएगा, तो स्लिप, उसको कहेंगे स्लिप। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, इन ए थियोडोलाइट द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल क्रॉस एयर्स। देखिए थियोडोलाइट के बारे में बताया जा रहा है कि जो लाइन पास होती है थ्रू इंटरसेक्शन, मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्रॉस एयर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, बात समझिए, फिर से एक बार समझिए, हॉरिजेंटल क्रॉस एयर और वर्टिकल क्रॉस एयर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, बात समझिए, एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर एंड इट्स कंटिन्यूएशन, मतलब देखिए कॉन्साइड कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर से एक बार समझिए कि जो क्रॉस एयर है, तो हॉरिजॉन्टल क्रॉस एयर और वर्टिकल क्रॉस एयर का जहां पर जहां भी जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है उसी की बात की जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं, तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन और लाइन ऑफ साइट, मतलब लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट कहेंगे। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, इन ए थियोडोलाइट ए कंडीशन अराइजिंग, देखिए थियोडोलाइट का केस है कि जब ऐसा कंडीशन अराइज हो जाए कि व्हेन द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, इमेज जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनता है, बात समझिए, इज नॉट इन प्लेन ऑफ क्रॉस एयर, जो कि प्लेन ऑफ क्रॉस एयर में नहीं है, से मैच नहीं कर रहा है, तो इज नोन एज, उसको क्या कहेंगे, आउट ऑफ प्लेन, उसे कहेंगे आउट ऑफ प्लेन। देखिए जो फोर नंबर का क्वेश्चन है, द लाइन्स ऑफ साइट व्हाइल ऑब्जर्विंग बैक साइट एंड फोर साइट लाई इन द सेम हॉरिजेंटल प्लेन, बात समझिए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो देखिए ट्रू है, भाई देखिए फिर से देखिए, लाइन्स ऑफ साइट, लाइन्स ऑफ साइट व्हाइल ऑब्जर्विंग, जब हम देखिए मशीन को फिक्स कर लेते हैं तो बैक साइट लेते हैं और जो लास्ट रीडिंग होती है वो फोर साइट कहलाती है, तो दोनों सेम हॉरिजेंटल प्लेन में, सेम हॉरिजेंटल प्लेन में लाई करते हैं, सेम सेम लाइन में साइट होते हैं, सेम सेम लाइन के द्वारा साइट होते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो देखिए स्टेटमेंट ट्रू है, अगर सेम लाइन के द्वारा जो है नहीं बनेंगे, बात समझिए, तो जो रीडिंग आएगी वह रॉन्ग आएगी। तो देखिए फाइव नंबर का क्वेश्चन, द स्टाफ रीडिंग्स आर मेजरमेंट मेड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, देखिए तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए स्टाफ रीडिंग
आर मेजरमेंट मेड वर्टिकली डाउनवर्ड। एक्चुअल में जो स्टाफ रीडिंग लेते हैं तो हमेशा जो है वर्टिकली डाउनवर्ड जो है रीडिंग लेते हैं। देखिए फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो ट्रू है। देखिए सिक्स नंबर का क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ रेफरेंस टू विच स्टाफ रीडिंग आर टेकन कॉन्साइड्स विथ द लेवल सरफेस थ्रू द टेलीस्कोप एक्सिस, ट्रू या फॉल्स, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। कहने का मतलब देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है विथ रेफरेंस टू विच स्टाफ रीडिंग आर टेकन, विच स्टाफ रीडिंग आर टेकन कॉन्साइड्स विथ द लेवल सरफेस थ्रू द टेलीस्कोप एक्सिस। देखिए जो कि टेलीस्कोप एक्सिस है, टेलीस्कोप एक्सिस है, उससे जो है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो कॉन्साइड करता है, तो स्टेटमेंट जो है और उसी समय जो है उस स्टाफ रीडिंग लिया जाता है। देखिए तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ट्रू है। सेवन नंबर का क्वेश्चन है द लेवल सरफेस मींस, इसका मतलब देखिए लेवल सरफेस मींस मतलब सरफेस लेवल का मतलब क्या हुआ, द सरफेस हूज ऑल पॉइंट आर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। देखिए क्लियर समझ लीजिए कि द लेवल सरफेस मींस, लेवल सरफेस का मतलब क्या हुआ, लेवल सरफेस का मतलब ये हुआ कि वो ऐसा सरफेस जिसमें सभी पॉइंट जो है नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के हों, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के सभी पॉइंट नॉर्मल हों, सभी पॉइंट नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर हों, तो ये स्टेटमेंट जो है देखिए ट्रू है या फॉल्स, तो स्टेटमेंट ट्रू है। एट नंबर का क्वेश्चन है द लेवल लाइन मींस, देखिए ये था द लेवल सरफेस मींस और ये क्वेश्चन है द लेवल लाइन मींस, लेवल लाइन मींस, तो द लाइन्स विच इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट ऑल पॉइंट्स। क्लियर है कि जो है लेवल लाइन किसे कहेंगे, तो जो लाइन्स है विच इज नॉर्मल, जो कि नॉर्मल हो, परपेंडिकुलर हो, किसके डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट ऑल पॉइंट, एट मतलब सभी पॉइंट पर, सभी पॉइंट पर जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है उसके नॉर्मल हो, उसके परपेंडिकुलर हो, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए नाइन नंबर का क्वेश्चन है, सेम ही बात चल रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन मींस, मतलब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन मींस, तो देखिए इसका मतलब द प्लेन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट ऑल पॉइंट। देखिए तो ऐसा प्लेन, देखिए इसमें था ऐसा लाइन, बट यहां पर है हॉरिजॉन्टल लाइन मींस क्या होता है, ऐसा प्लेन जो कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो ऑल पॉइंट्स पर, सभी पॉइंट्स पर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। जो टेन नंबर का क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल सरफेस मींस, देखिए देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन मींस था और ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस मींस, कि मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस का क्या मतलब है, तो देखिए द प्लेन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट द पॉइंट, तो देखिए एक्चुअल में ऐसा प्लेन जो कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के क्या हो, नॉर्मल हो,
एट ए पॉइंट, एट ए किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर, बट इन सब में देखिए ऑल पॉइंट पर, बट एट ए पॉइंट है ये। फिर से समझिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस मींस, हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब हुआ कि द प्लेन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पर या किसी पॉइंट पर जो प्लेन है, प्लेन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के क्या हो, नॉर्मल हो, क्या हो, नॉर्मल हो, तो उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ चेन सर्वे द ऑफसेट कैन बी, चेन सर्वे के केस में ऑफसेट हो सकते हैं, देखिए परपेंडिकुलर और ऑब्लिक दोनों हो सकते हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं और ऑब्लिक भी हो सकते हैं। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, द कन्वेंशनल साइन ऑफ चेन लाइन इज, देखिए जो चेन लाइन का कन्वेंशनल जो है साइन, देखिए क्या होता है, तो देखिए ये शो जो किया गया है यही जो है कन्वेंशनल जो है साइन है, चेन लाइन का जो है ये कन्वेंशनल साइन है। देखिए द कन्वेंशनल साइन ऑफ लेक आर पॉन्ड, जो लेक या पॉन्ड होते हैं उनका कन्वेंशनल साइन देखिए ये शो किया गया है, इंपॉर्टेंट है ये। 14 नंबर का क्वेश्चन है, द कन्वेंशनल साइन ऑफ टेलीफोन लाइन, तो देखिए टेलीफोन लाइन का ये कन्वेंशनल साइन है, देखिए बीच में जो सर्कल बनाया गया है वह देखिए उसको कलर्ड नहीं किया गया है, ठीक है। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, द कन्वेंशनल साइन ऑफ रेलवे डबल लाइन, डबल लाइन के केस में कन्वेंशनल साइन क्या होगा, देखिए ए है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये है आपका 15 क्वेश्चन और उसके आंसर। तो जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है, अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।